हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मनोज शर्मा आज आप लोगों को इस वीडियो में करवाने वाला हूं। क्लास ट्वेल्थ का सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, तो यहां पे हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, जिसमें आज का वीडियो सिर्फ बेसिक का होगा, जिसमें हम इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, कितने तरह का होता है। ये सारी तमाम तरह की बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और आप आगे तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये इकोनॉमिक्स होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें इकोनॉमिक्स को यहां पे, तो आप इतना समझ लो, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्स। यानी कि आप किस तरीके से अपने लिमिटेड रिसोर्सेस का बेहतर तरीके से यूज करते हो, उसी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। यानी कि आप देखो, इस मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल रखूंगा, आपको खुद आ जाएगा समझ में कि वाकई इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप देखो, सपोज करो कि यहां पे मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, मिस्टर एक्स, जो कि एक फैक्ट्री वर्कर है। ठीक है, उसकी जेब में सिर्फ 20 रुपीज रखे हुए हैं, यानी कि उसके पास 20 रुपीज है। तो इसका मतलब ये लिमिटेड रिसोर्स हो गया। ठीक है, क्योंकि सिर्फ 20 रुपीज है, तो इसका मतलब ये लिमिटेड रिसोर्स है। अब उसे भूख लग रही है, अब फैक्ट्री में काम कर रहा है बंदा, उसे भूख लग रही है, उसकी जेब में सिर्फ 20 रुपीज है। अब वो लंच के टाइम पे जब बाहर निकला कुछ खाने के लिए, तो उसने देखा कि काफी सारे यहां पे शॉप्स हैं जिसपे कुछ ना कुछ अलग तरीके का सामान मिल रहा है। अब जैसे कि मान लेते हैं, जब वो फैक्ट्री से बाहर निकला कुछ खरीदने के लिए ताकि उसका पेट भर जाए, तो सबसे पहले उसे ए ऑप्शन नजर आया, इसमें उसे नजर आई जलेबी। ठीक है, उसके बाद बी ऑप्शन नजर आया, जिसमें उसे नजर आई चाय मट्ठी वगैरह, होते ना चाय समोसा वगैरह ये। उसके बाद आगे गया तो सी ऑप्शन में नजर आया उसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह। ठीक है, ये सारी जो मैं यहां पे लिख रहा हूं ऑप्शंस, ये सारे 20 रुपीज वाले हैं, यानी कि जो उसके पास 20 रुपीज हैं उसमें से ये वो सारी ये खरीद सकता है, या तो ये खरीद सकता है या ये। ठीक है ना, सबकी कॉस्ट यहां पे 20 रुपीज है। उसके बाद डी ऑप्शन में यहां पे जो उसे दिखाई दे रहा है वो है छोले भटूरे। अब आप देख सकते हो उसके पास सिर्फ 20 रुपए हैं और उसके सामने ऑप्शंस काफी सारे आ रहे हैं। अब इन्हीं ऑप्शंस में से वो किसी एक ऑप्शन को लेगा। अगर आप देखो यहां पे, अगर उसके पास 20 रुपए हैं और उसको अगर भूख लग रही है, तो यहां पर वो जलेबी पे तो पैसे खर्च नहीं करेगा, क्योंकि उसको खर्च करके उससे पेट नहीं भरेगा। चाय पीने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता, ना तो कोल्ड ड्रिंक पीने का कोई सवाल बनता है। तो डी एक ऑप्शन ऐसा नजर आ रहा है जहां पर वो अगर अपने 20 रुपए खर्च करता है तो यहीं से उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, यानी कि यहीं पर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्स नजर आ रहा है, क्योंकि 20 रुपए का उसने इस तरीके से यूज किया है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल कहां से सकती है, सिर्फ डी ही एक ऐसा ऑप्शन है जहां से उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो ऐसे हम लोग भी डेली लाइफ में लिमिटेड रिसोर्सेस का बेहतर तरीके से यूज करते हैं, और जब भी हम लिमिटेड रिसोर्स का बेहतर तरीके से यूज करते हैं तो उसी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो यहां पे आपको ये समझ में आ गया कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। अब आप देख सकते हो कि यहां पर ये जो सारे ऑप्शंस उसके सामने आए, यानी कि ए बी सी डी, तो यहां पर उसके उसको चुनना पड़ रहा है कि मैं कौन सा ऑप्शन लूं।
ए पे जाऊं, बी पे जाऊं, सी पे जाऊं या डी पे जाऊं। तो जब भी किसी पर्सन को अल्टरनेटिव यूजेस में से कुछ चूज करना होता है तो वहां पर एक नई प्रॉब्लम का जन्म हो जाता है और उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो आप देख सकते हो इकोनॉमिक प्रॉब्लम किसे कहते हैं हम, और ये कब अराइज होती है, जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हो और आपके सामने अल्टरनेटिव यूजेस हो, तब वहां पे आपकी एक प्रॉब्लम निकल कर आती है। उस प्रॉब्लम का नाम क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और इसी का एक और नाम भी है जिसे हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यानी कि आप देख सकते हो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन होता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम किसे कहते हैं, यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब भी क्या होता है कि जब आप लिमिटेड रिसोर्सेस का यूज करते हो और आपके सामने अल्टरनेटिव यूजेस आते हैं, तभी आपके सामने प्रॉब्लम आती है। कौन सी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सोचो अगर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स हो ही ना, मतलब देश में बहुत ज्यादा ही रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड कुछ भी नहीं है। तो आपको मैं बता दूं, अगर लिमिटेड पूरी दुनिया में कुछ नहीं होगा ना, तो वहां पे कभी इकोनॉमिक्स भी बनेगी नहीं। तो इकोनॉमिक्स तभी आती है जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और उसको हम किस तरीके से यूज करते हैं, एक सोसाइटी उन रिसोर्सेज का किस तरीके से यूज करती है ताकि वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, उसी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। यानी कि एक प्रोड्यूसर किस तरीके से मैक्सिमम प्रॉफिट अटेन कर सकता है विद द गिवन रिसोर्सेज, एक कंज्यूमर किस तरीके से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को अटेन कर सकता है विद द गिवन रिसोर्सेज। तो ये सारी बातें आती हैं किस पर, जब आपके पास रिसोर्सेज क्या रहते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो यहां पे आप लोगों ने देखा कि एक फैक्ट्री वर्कर में मिस्टर एक्स है जिसके पास 20 रुपीज है, तो यहां पे लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो यहां से आपको इकोनॉमिक्स का मतलब समझ में आ गया, क्योंकि यहां पे लिमिटेड रिसोर्सेज का उसने बेहतर तरीके से यूज किया, कहां पर, छोले भटूरे पर। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक्स कहेंगे। ठीक है, आगे थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं हम। इकोनॉमिक्स का मतलब समझ लेने के बाद अब हम समझेंगे इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। आप देखते होंगे ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है, न्यूज चैनल जब आप खोल के देखते हो तो हमेशा यही बोलते रहते हैं, इस देश की इकोनॉमी डाउन हो रही है, इसकी इकोनॉमी बढ़ रही है। तो आखिर ये इकोनॉमी होता क्या है, तो इसको हम डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, जहां पे हमने पहले इकोनॉमिक्स पढ़ा था तो वहीं से मैं आपको बताऊंगा इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। आप देखो, जैसे कि यहां पर हमने देखा कि मिस्टर एक्स है, ये फैक्ट्री वर्कर, और एक फैक्ट्री वर्कर है ये, उसके पास 20 रुपए है। तो आप देखो उसके सामने इतने सारे ऑप्शंस आ गए जिसपे वो अपने 20 रुपए को खर्च कर सकता है। तो ये जब मिस्टर एक्स के सामने जो सिचुएशन आई है, ये देखो सिचुएशन आई है ना कि 20 रुपए का यूज उसको इस तरीके से करना है। तो जब इस सिचुएशन, जब ये इसके सामने सिचुएशन आती है कि मैं 20 रुपए का कहां यूज करूं, कैसे कैसे करूं, तो इस सिचुएशन को ही इकोनॉमी कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं। यानी कि इसी सिचुएशन को इकोनॉमी कहा जाता है। जैसे कि आप देखोगे कि आखिर इकोनॉमी अगर हम समझना चाहें तो होता क्या है, तो इकोनॉमी इज अ सिचुएशन बिटवीन लिमिटेड रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड वॉन्ट्स। तो इकोनॉमी क्या होता है, कुछ नहीं होता, एक सिचुएशन होती है किन दो चीजों के बीच में, लिमिटेड रिसोर्सेस और अनलिमिटेड वॉन्ट्स के बीच में सिचुएशन। तो आप देखोगे लिमिटेड रिसोर्स और ये है अनलिमिटेड वॉन्ट्स, तो इनके बीच में एक सिचुएशन जो बन गई मिस्टर एक्स के सामने कि मैं क्या करूं, किस तरीके से मैं अपनी नीड को सेटिस्फाई करूं, तो इसी सिचुएशन को इकोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, तो यानी कि आप देखो इसे करेंगे कैसे हम, इकोनॉमी इज अ सिचुएशन किसके बीच में, लिमिटेड रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड
वांट्स के बीच में, ठीक है ना, यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स के बीच में जो सिचुएशन बनती है उसी को हम इकोनॉमी कहते हैं। अब इसी सिचुएशन को जब मैं डील कर लेता हूं, क्या कर लेता हूं, डील, आप समझते हो डील का मतलब क्या होता है, डील का मतलब होता है उस सिचुएशन को सॉल्व करना, यानी कि जब मैं इस सिचुएशन को सॉल्व कर लेता हूं, खत्म कर लेता हूं, तब जाके जिस चीज का जन्म होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स। यानी कि अगर मैं आपसे ये कहना चाहूं कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में बड़ा क्या होता है, तो ये होता है, क्योंकि ये है तभी सिचुएशन क्रिएट होती है, और इस सिचुएशन को जब हम डील कर लेते हैं यानी कि जब उसे हम सॉल्व कर लेते हैं तब जाके जन्म किसका होता है, इकोनॉमिक्स का होता है, ठीक है। तो यहां पे आप लोगों को ये बात तो समझ में आ गई कि आखिर इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में फर्क क्या होता है। तो इकोनॉमी एक सिचुएशन होती है जिसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं, इकोनॉमी का हिंदी में मतलब होता है क्या, अर्थव्यवस्था। तो एक सिचुएशन बनती है किसके बीच, लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स के बीच में, और यहां पे जब हम इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं यानी कि डील कर लेते हैं तब जाके इकोनॉमिक्स आता है। जैसे कि आप देखो मिस्टर एक्स वाले एग्जांपल में हमने क्या किया, मिस्टर एक्स ने छोले भटूरे पे पैसे खर्च करना जरूरी समझा। तो आप देखो पहले उसके सामने सिचुएशन आई थी, फिर उसने देखा कि छोले भटूरे ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें मैं अगर 20 रुपए खर्च करूंगा तो मेरी जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो यहीं से मिल सकता है। तो आप देखो इसने इस सिचुएशन को डील कर लिया, डील कैसे करा, 20 रुपए को छोले भटूरे पे खर्च करके। तो जब हम किसी भी सिचुएशन को डील करते हैं तब जाके आपकी वहां पे इकोनॉमिक्स बन जाती है, यानी कि इकोनॉमिक्स निकल के आती है वहीं से, ठीक है। तो यहां पे आप लोगों को इकोनॉमिक्स का मतलब पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। तो आगे देखते हैं, अब आगे अगर हम चलें तो यहां पे आपका यही इकोनॉमिक्स दो कैटेगरी में बटा होता है, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो दोनों इकोनॉमिक्स को हम डिटेल में समझते हैं कि आखिर दोनों इकोनॉमिक्स क्या होते हैं। देखो जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, ठीक है, तो यहां पर इकोनॉमिक्स को हमने दो कैटेगरी में बांट दिया, ठीक है, एक आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स बन गया और एक आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स बन गया। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और मैक्रो इकोनॉमिक्स को बोला जाता है समष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस थ्योरी का कॉन्सेप्ट आता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनकम थ्योरी का कॉन्सेप्ट आता है। अब ये दोनों होते क्या है इसको हम जरा डिटेल में नीचे पढ़ लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी, यानी कि जहां पे एक पर्सन की बात आ जाती है, ठीक है, एक पर्सन के यूनिट्स की बात आ जाती है तो वहां पर हम उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में डालते हैं। जैसे कि मान लो एक व्यक्ति की बात हो रही है या कुछ ग्रुप की बात हो रही है तब भी हम उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट मानेंगे। जैसे कि एक पर्सन की इनकम हो गई, आउटपुट हो गया, तो ये आपके एग्जांपल्स हैं किसके, माइक्रो इकोनॉमिक्स के, ठीक है ना। व्यक्तिगत आय हिंदी में कहा जाता है इसे और व्यक्तिगत उत्पाद कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। तो यहां पे आपको ये समझ में आ गया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, जहां पे एक पर्टिकुलर यूनिट के बारे में स्टडी की जाती है, या फिर मैं इसे कह सकता हूं स्टडी ऑफ स्मॉल यूनिट्स। जब हम स्टडी ऑफ स्मॉल यूनिट्स की बात करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएंगे हम, और जब हम बात करेंगे स्टडी ऑफ लार्ज यूनिट्स तो हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की। लार्ज यूनिट्स में क्या हो गया, जैसे कि नेशनल इनकम, आप देखोगे पूरे देश में देखी जाती है वो चीज, पॉपुलेशन हो गई आप लोगों की, और एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट हो गया आपका, महंगाई हो गई आपकी, तो ये सारे पूरे देश भर में बात की जाती है इसकी, तो इसलिए ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। लेकिन आप अपने पर्सनल, आप मान लो फैमिली की बात कर रहे हो, ठीक है ना, या किसी पर्टिकुलर स्कूल की बात अगर आप कर रहे हो तो वो एक यूनिट है, और यूनिट को हम किस कैटेगरी में डालते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है।
अब आप देख लो मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी क्या डेफिनेशन है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज होल। तो यहां पे एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, ठीक है ना, जहां पे हम पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं यानी कि पूरे देश या पूरे राष्ट्र की बात करते हैं तो वहां पे आप लोगों का मैक्रो इकोनॉमिक्स आ जाता है। जैसे कि नेशनल इनकम, नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, नेशनल मतलब पूरे देश यानी कि राष्ट्र की आय, ठीक है। तो ये हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में डालते हैं इसे। एग्जाम्पल आप देख सकते हो जैसे कि नेशनल इनकम हो गया, नेशनल प्रोडक्ट हो गया, तो ये आपका किसका है एग्जाम्पल, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। फिर उसके बाद अगर हम आगे चलें तो आगे आ जाता है इकोनॉमिक्स एज अ साइंस। साइंस के रूप में भी इकोनॉमिक्स को यहां पे डिफाइन किया गया है। तो आप देख सकते हो किस कैटेगरी में बांटा गया है, एक होता है आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और एक होता है आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स यानी कि हम इसे समझते हैं वास्तविक अर्थशास्त्र। तो आप देखोगे इसमें क्या होता है, वास्तविक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड हाउ दे आर एक्चुअली सॉल्व। यानी कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि यहां पर सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में बात की जाती है। जैसे कि मैं बैठा हुआ हूं आराम से और मैं कह रहा हूं यार देश में बेरोजगारी बढ़ी है, ठीक है ना, सिर्फ इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में बात की जा रही है। तो जब भी आप इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में बात करते हो सिर्फ कि यार महंगाई बहुत है, पॉपुलेशन बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, तब ऐसे चीजों को हम, इस तरह की बातों को हम बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, जहां पे आप इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में सिर्फ बात करते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसके एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे कि प्राइसेस इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। ये भी एक स्टेटमेंट में बात ही की जा रही है कि इंडिया के जो प्राइसेस हैं, ठीक है ना, इकोनॉमी के जो प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो हम बैठे बैठे बात ही कर रहे हैं ना यहाँ पे। तो यहां पर क्या है, इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब बात आ जाती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है फिर, तो मैं आपको बता दूं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में सजेशंस दिए जाते हैं, व्हाट आउट टू बी, इसको हम कहते हैं व्हाट इज, और ये है व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए। तो यहां पे आप सॉल्यूशंस देते हो, ठीक है, और यहां पे सिर्फ बात करते हो प्रॉब्लम्स को लेकर। तो देखो जैसे कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, जैसे कि मैं कह सकता हूं यार देश में बेरोजगारी कम होनी चाहिए, पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। तो आप बताओ यहां पे मैं एडवाइस दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं, ठीक है ना। तो जब आप सजेशंस देते हो तो ये आप लोगों की नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट बनता है। जैसे कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट आउट टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स शुड बी सॉल्व। जैसे कि इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस, यहां पे प्राइस जो राइज हो रहा है उसके बारे में सिर्फ बात की गई और यहां पे उसके सॉल्यूशन की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि यहां पे इंडिया को जो है प्राइस को कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि यहां पर दोनों में फर्क क्या आता है, ठीक है। तो आपने देखा इकोनॉमिक्स को दो कैटेगरी में बांटा गया, फिर आगे भी आपने देखा यहां पे दो कैटेगरी साइंस के रूप में बांटा गया। तो यहां पे आप लोगों ने इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कुछ और नई बातों की, ठीक है ना, यानी कि कुछ और कॉन्सेप्ट्स यहां पे मैं आप लोगों को क्लियर करवाने वाला हूं। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आप लोगों को क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं इसमें हम बोलते हैं हिंदी में आर्थिक क्रियाएं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप देख सकते हो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, विच आर रिलेटेड
टू द मनी, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो कि आप लोगों की पैसों से संबंधित होती है, यानी कि मनी से रिलेटेड होती है। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे करेंसी चलती है, तो मनी यहाँ पे करेंसी को माना जाएगा। मनी वर्ड इसलिए यूज किया गया क्योंकि मनी एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हर देश की करेंसी को इसके अंदर लेकर आ गए, इसलिए हम एक वर्ड यूज कर लेते हैं, सारी करेंसीज की जगह मनी का यूज किया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि हर एक देश में मनी की डेफिनेशन अलग अलग है, मनी का मतलब अलग अलग है। जैसे कि अमेरिका में मनी का मतलब डॉलर्स है, इंडिया में मनी का मतलब वहीं पे क्या है, करेंसी है। ठीक है ना, और वो भी जो इंडियन रुपीस चलती है। ठीक है ना, यहाँ पे इंडियन रुपीस, रुपीस का सिंबल होता है। ठीक है ना, वहां पे डॉलर्स चलते हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हो। तो मनी का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से पैसा, चाहे हम कहीं पे भी किसी भी कंट्री की बात करें तो मेन मतलब तो यहाँ पे पैसों का ही है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू द मनी, जो पैसों से संबंधित है। तो आगे आप देखोगे, इट इंक्लूड्स, अब आप देखो इसके अंदर क्या क्या आ जाता है और क्या क्या शामिल किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है आप अच्छी तरीके से देख पाओगे। इट इंक्लूड्स कंजम्पशन, सेविंग्स, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। आप हमेशा याद रखना, इससे बाहर कोई एक्टिविटी बनी ही नहीं है, यानी कि ये आपकी पांच एक्टिविटीज हैं जो जिसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं, और हर एक पर्सन किसी ना किसी एक्टिविटी से एंगेज्ड है, यानी कि हर एक पर्सन किसी ना किसी एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। मान लो अगर कोई बंदा दुकान चलाता है अपनी, तो प्रोडक्शन एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। हम लोग सेविंग्स करते हैं, तो यहाँ पे आ गए हम। और आप लोग जितना भी आप सामान खरीदते हो, तो आप कंज्यूमर्स हो, और कंज्यूमर्स हमेशा क्या करता है, कंजम्पशन करता है, तो आप इस कैटेगरी में आ गए। कभी कभी हम लेन देन भी करते रहते हैं, एक्सचेंज करते रहते हैं, तो हम इस कैटेगरी में आ गए। और साथ ही साथ आप अपने पैसों को इन्वेस्ट भी करते रहते हो, तो आप फिर इस कैटेगरी में आ गए। तो एक एक करके देख लेते हैं इनका मतलब क्या है। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना। जब आप गुड्स और सर्विसेज को खरीदते हो तो आप एज अ कंज्यूमर कहलाते हो, और उनका यूज करना कंजम्पशन होता है। तो यहां से कंजम्पशन, लेकिन करता कौन है, कंज्यूमर्स करते हैं। तो आप देखोगे यहां पे आप पैसों का ही तो यूज करोगे, बिना पैसों के तो आप खरीद नहीं पाओगे किसी चीज को। तो जब आप पैसे देकर चीज को खरीद रहे हो, तो आप बताओ यहां पे पैसों का यूज हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है ना, सेविंग्स की बात करते हैं। आप बैंक में जब जाते हो एफडी करवाने के लिए, आप खुद जमा होके तो नहीं आ जाते ना, कि 5 साल बाद आप डबल होकर आ रहे हो, आप बैंक में पैसा ही तो जमा कराने जाते होंगे। ठीक है ना, तो यहां पर भी आप देखो सेविंग्स, यहां पर भी एक क्या है, पैसों से रिलेटेड है, इसलिए आप इकोनॉमिक एक्टिविटी इसे कह सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, तो आप देखो दुकान वाले जितने भी सामान बेचते हैं, तो जाहिर सी बात है वो प्रॉफिट कमाने के लिए ही बेचते होंगे। और प्रॉफिट किस में होता है, मनी की टर्म्स में होता है कि नहीं होता। आप देखो किसी ने 100 करोड़ रुपए कमाए, तो वो 100 करोड़ है क्या, मनी है कि नहीं है। ठीक है ना, तो यहां पर भी आप देखो, यहां पर भी प्रोडक्शन में जो प्रॉफिट कमाया जाता है वो भी किस रूप में है, मनी की फॉर्म में है। और एक्सचेंज आपको पता ही है, लेन देन जो हम लोग करते रहते हैं। आप देखोगे कभी कभी ऑफर भी चलते रहते हैं, आप पुराना टीवी लाओ नया टीवी ले जाओ बदले में, और बीच का जो अमाउंट होगा वो आप हमें दे दो कम करके। तो आप देखोगे ये भी एक तरीके का क्या है, एक्सचेंज है, लेकिन पैसों का यूज तो इसमें भी हो रहा है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक ऐसा खर्चा होता है जिसको करने के बाद आप मोर देन 1 ईयर बेनिफिट उससे उठाते रहते हो। ठीक है, उसी को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे कि किसी प्रोड्यूसर ने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, कोई मशीन खरीदी है, ये बिजनेस के लिए कंप्यूटर वगैरह खरीदा है, तो आप देखो ये कई साल तक वो यूज करेगा, इसलिए उसने खरीदा है। तो आप बताओ खरीदने के लिए वहां पर पैसों का यूज हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब यहां पे आ गए कि नहीं हम, इसका मतलब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, तो आप देखो ये 5 एक्टिविटीज से बाहर और कोई एक्टिविटी नहीं है जहां पे इंसान जुड़ा हो, तो ये 5 एक्टिविटीज ही मानी जाती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है और कितने प्रकार की होती है, या फिर हम कह सकते हैं इट इंक्लूड्स। तो यहाँ पे कंजम्पशन, सेविंग्स, प्रोडक्शन। कंजम्पशन को हम क्या कहते हैं? उपभोग। सेविंग्स को हम क्या कहते हैं? बचत। प्रोडक्शन को उत्पादन। एक्सचेंज को विनिमय। इन्वेस्टमेंट को निवेश। ठीक है, तो यहां तक इकोनॉमिक एक्टिविटीज समझ लेने के बाद अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के बारे में आपको बता देता हूं, और एक बार हम लोग लास्ट में इकोनॉमी का मतलब भी अच्छे से समझ लेते हैं विद प्रॉपर डेफिनेशन एंड मीनिंग। ठीक है, उसके बाद आज का इस वीडियो में जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था वो सारा खत्म हो जाएगा। चलिए एक बार देख लेते हैं इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी को फिर से। देखो, जब हम बात करते हैं इकोनॉमी की, तो मैंने आपको अभी इससे पहले स्टार्टिंग में बताया था इकोनॉमी क्या होती है। एक सिचुएशन होती है और किन के बीच में होती है? लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स के बीच में होती है। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारे पास जो संसाधन जो होते हैं वो हमेशा सीमित होते हैं, यानी कि लिमिटेड होते हैं, और हमारी जो वांट्स होती है ना, यानी कि हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं या नीड्स होती हैं, वो अनलिमिटेड होती हैं। तो आप बताओ, लिमिटेड रिसोर्सेज से आप अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई तो कर नहीं सकते हो, लेकिन यहां पर आप कुछ अपनी समझदारी से, अपने बिहेवियर से कुछ हद तक आप लिमिटेड रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज जरूर कर सकते हो जिससे आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए, और उसी को हमने नाम दे दिया कि वो आपकी इकोनॉमिक्स होती है। ठीक है, और जब उससे पहले जो सिचुएशन बनी उसको हमने क्या नाम दे दिया? इकोनॉमी। तो एक बार देखते हैं इकोनॉमी का मतलब यहां पे क्या है। इकोनॉमी अर्थव्यवस्था कहते हैं इसे हम। इज एन एरिया ऑफ द, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जिसमें आप देखोगे किसका क्षेत्र होता है, लेकिन ये प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एंड कंजम्पशन। यानी कि प्रोडक्शन आपको पता ही है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है यहां पे आप इनकम का जब डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, जैसे कि आपने लैंड, लेबर, कैपिटल, जो आपकी फैक्टर सर्विसेज होती है, बदले में उस पर जो आप पे करते हो, जैसे कि लैंड के बदले में रेंट देना, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होता है। ट्रेड, व्यापार। उसके बाद आप देखोगे कंजम्पशन, जो हम लोग करते हैं, ठीक है ना, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना, ठीक है, वो कंजम्पशन का एक पार्ट होता है जो कंज्यूमर्स करते हैं। तो आप यहां पे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एंड कंजम्पशन की जगह आपको जो मैंने अभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो चीजें डाली थी, पांच चीजें, आप वो भी इसकी जगह लिख सकते हो, ठीक है ना। इज एन एरिया ऑफ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो भी किसका है? ये गुड्स एंड सर्विसेज का, बाय डिफरेंट एजेंट्स। यानी कि इज एन एरिया ऑफ द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय डिफरेंट एजेंट्स। अब ये डिफरेंट एजेंट्स कौन कौन हो सकते हैं? यानी कि पूरा खेल इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का ही रहता है। एक गुड्स बेचेगा, दूसरा गुड्स खरीदेगा, एक सर्विस अपनी बेच रहा है, दूसरा सर्विस ले रहा है, तो सारी की सारी बातें यहां पर इसी के ऊपर टिकती है। और ये लोग कौन करते हैं? बाय डिफरेंट एजेंट्स। अब वो डिफरेंट एजेंट्स कौन कौन से हो सकते होंगे? गवर्नमेंट भी हो सकती होगी, प्रोड्यूसर्स भी हो सकते होंगे, कंज्यूमर्स भी हो सकते होंगे। तो इन्हें हम एक सिंगल नाम दे दिया हमने, बाय डिफरेंट एजेंट्स। तो आप देखो, ये सारे मिलाकर एक इकोनॉमी क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, तो इसलिए इसको हम इकोनॉमी कहते हैं। तो एक ऐसा क्षेत्र जिसमें, एक ऐसा एरिया जिसमें डिफरेंट एजेंट्स के द्वारा गुड्स और सर्विसेज का किस किस में, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एंड कंजम्पशन में देखा जाता है। तो यहां पे आपने देखा इसके अंदर क्या क्या शामिल हो गया, ये सारी बातें इसके अंदर शामिल हो गई। यहां पर आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज की भी बातें लिख सकते थे, ठीक है। तो ये तो हो गई बात आपकी इकोनॉमी की। अब बात कर लेते हैं जरा इकोनॉमिक्स क्या होता है। आप सीधा सिंपल शब्दों में इसे ऐसे भी समझ सकते हो, इट इज अ सिचुएशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स, ठीक है। और आप देखोगे यहां पे गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह बाय डिफरेंट एजेंट्स जो मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब यहां पे ये है कि वो डिफरेंट एजेंट्स कौन कौन से होते हैं आप लोगों के, यही हो गए एक कंज्यूमर्स वगैरह, प्रोड्यूसर वगैरह, ये सारे आपके डिफरेंट एजेंट्स हैं। तो आगे देखते हैं हम इकोनॉमिक्स का मतलब समझते हैं कि उसमें भी क्या लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये होता है, इट इज अ सोशल साइंस, ये बात तो हमें पता ही है। इट डील्स
आ गई ना बात यहां पे डील्स की, विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन दिस सोसाइटी इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन कंजम्पशन एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द गिवन रिसोर्सेज। यानी कि इकोनॉमिक्स एक आप लोगों का सोशल साइंस है, ये डील करता है किस में, ह्यूमन बिहेवियर का और सोसाइटी के अंदर ह्यूमन बिहेवियर का, लेकिन किन किन प्रोसेस में करता है, प्रोडक्शन कंजम्पशन एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी किसका, गुड्स का और सर्विसेज का विद द गिवन रिसोर्सेज। यानी कि सिंपल सी बात अगर हम देखें तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है कि आप किस तरीके से अपने गिवन रिसोर्सेज का यूज करते हो। एक कंज्यूमर किस तरीके से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को ले सकता है, अटेन कर सकता है, गेन कर सकता है, और एक प्रोड्यूसर कैसे गिवन रिसोर्सेज का यूज करके मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न कर सकता है, तो ये सारी चीजें आप लोगों की इकोनॉमिक्स में आ जाती है। ठीक है, इसलिए इकोनॉमिक्स को यहाँ पे सोशल साइंस कहा गया है। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें हमें कंजम्पशन पता है, एक्सचेंज पता है, लेकिन एक बार हम समझ लेते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो आप देखोगे डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जैसे कि आपने लैंड, लेबर, कैपिटल, और एक बंदा होता है बिजनेसमैन, वो जो खुद जो उस बिजनेस को चला रहा होता है। ठीक है, यानी कि जो इस पूरे बिजनेस को चला रहा होता है उसे हम बिजनेसमैन कहते हैं। अब सोचो अगर किसी कंपनी में या किसी फैक्ट्री में आपने ये सब लगा रखा है, लैंड, लेबर, कैपिटल, और खुद वो ऑनर जो है, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजर भी कह सकते हैं हम इसे, तो ये सारी, इन सबको हम बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज। अब आप देखो जो प्रोड्यूसर ने यानी कि बिजनेसमैन ने जो फैक्टर सर्विसेज ले रखी है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब ले रखा है उसने, तो बदले में उसे पे भी करना पड़ेगा। अब क्या क्या पे करना पड़ेगा, अगर मान लो उसने लैंड ले रखी है तो बदले में रेंट देना पड़ेगा, लेबर अगर ले रखी है तो बदले में उसको वेजेस पे करनी पड़ेगी, कैपिटल ले रखी है यानी कि अगर लोन वगैरह ले रखा है कहीं से तो बदले में उसे इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी, और कल को अगर बिजनेस अच्छा चला और प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट भी उसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, इसे हम नाम देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम्स। तो यहां पे आपने देखा इकोनॉमिक्स का मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया, सिंपली यहां पे ये बताया कि गिवन रिसोर्सेज का किस तरीके से हम गुड्स एंड सर्विसेज में यूज करते हैं, जहां पर आप लोगों का कंजम्पशन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन वगैरह, ये सारी बातें इसके अंदर आ जाती है। एक तरीके से ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात होती है कि वो किस तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज कर पाता है। ठीक है, वहीं से आपकी इकोनॉमिक्स बन के निकल के आती है, और ये बात तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, कि आप किस तरीके से लिमिटेड रिसोर्स का बेहतर तरीके से यूज कर पाते हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आप लोगों को बता दिया इतना ही काफी है। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स यहां पे स्टार्ट करवाने वाला हूं, जो कि 12th क्लास की आप लोगों की फर्स्ट बुक है, तो यहां पे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जितना भी आज आप लोगों को मैंने इस वीडियो में करवाया है वो आप अच्छी तरीके से याद रख लेना कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो माइक्रो क्या होता है। ठीक है ना, ये सारी चीजें आप लोगों को याद रहनी चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बाय।